अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ट्राई करेंगे द मोस्ट वायरल राइस कोरियन फेस मास्क, जो कि काफ़ी वायरल हुआ हुआ है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। तो चलिए ट्राई करते हैं। ऑलरेडी मैं इसको 1 to 2 मंथ से कर रही हूँ, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। सो इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि आपने लेना है हनी। सब कुछ आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी रखनी है। अगर आपने खाली फेस पे लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। नेक और हाथ पांव कवर करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। हनी के बाद आपने डालना है राइस फ्लोर, फिर उसके बाद आपने डालना है एलोवेरा जेल, और उसके बाद आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के अच्छी तरह एक थिक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी। उसको लेके आपने अपने फुल क्लीन ड्राई फेस पे लगा के हल्के हाथों से, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने स्पीड ज़्यादा की हुई है, आप लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथों से जो है स्क्रबिंग करनी है। ये आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करेगा। ओपन पोर्स का अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यू है तो वो श्रिंक करेगा। सो मेक श्योर कि आप बहुत हल्के हाथों से स्क्रबिंग करो। ये मेथड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, आपकी स्किन बेयर कर सकती है, तो आप ट्वाइस अ वीक ही एक्सफोलिएशन मेथड कर लो, अदरवाइज वंस अ वीक भी आप कर सकते हो। अच्छे से फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स मसाज स्क्रबिंग करने के बाद आपने इसको अनदर 2 to 3 मिनट्स के लिए ऐसे ही स्किन पे लगा छोड़ देना है। उसके बाद जो है आपने नॉर्मल टैप वाटर से अपने स्किन को, अपने फेस को वॉश कर लेना है। मैं जो हूँ इसी मास्क से अपने लिप्स को भी स्क्रब कर लेती हूँ। लिप्स की भी जितनी डेड स्किन है वो सारी रिमूव हो जाती है, जितनी टैनिंग है वो रिमूव हो जाती है। क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल प्योर नेचुरल हैं, तो इसीलिए कोई चीज़, किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होगा। सो फर्स्ट यूज़ में ही आप नोट करोगे कि आपके 50 to 60% जो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, और आपकी स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। सो डू ट्राई दिस मास्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अलाउ।